What? Are you leaving for the US in next 2 weeks? Yes, Dr. Sai. It's an important workshop and I have to be there. If you want to see me, you will have to be in Germany as soon as possible. But Dr. Schmitz, how can I arrange everything for this trip in such a short span of time? Even if I come there in next few days, it's going to be a costly affair. I would need some time to arrange for the logistics. Well, I'm afraid I don't have much time, Dr. Sai. But as far as your expenses are concerned, our hospital has a provision for overseas doctors to do a temporary residency. Dr. Surezi did speak very highly about you, if you want. I can arrange for that temporary position for you in my hospital. That's why you can earn for all of your expenses while you are in Germany. But you have to be here as soon as possible with your husband. Otherwise, I'm afraid I can't be available for you. No, it's okay. I will be there in next few days. I have to do it. I'm ready to take the job. Very well then. See you soon, Dr. Sai. See you. मैं आप सबके लिए खुशखबरी लाई हूँ। खुशखबरी? क्या? मैंने फैसला कर लिया है। मैं सत्या को लेकर जर्मनी जा रही हूँ। जर्मनी? जी, जर्मनी। लेकिन क्यों? जर्मनी में क्या है? सही? हम जर्मनी क्यों जा रहे हैं? तुमने डॉक्टर श्मिट्स का नाम सुना है? वर्ल्ड फेमस न्यूरोलॉजिस्ट? वो तुम्हारा इलाज करने के लिए मान गए हैं और मुझे पूरा यकीन है वो तुम्हारा इलाज करेंगे, तुम जरूर ठीक हो जाओगे। इसीलिए हम पहले मुंबई जाएंगे परसों और वहां से उसके अगले दिन सुबह हमारी बर्लिन की फ्लाइट है। मैंने तुम्हारी, सभी की और मेरी फ्लाइट टिकट बुक कर दी है। सही, तुमने फैसला सोच समझ के लिया ना? हाँ, मैंने फैसला बहुत सोच समझ के लिया है। और हाँ, एक और बात, जब तक हम लोग वहाँ पे रहेंगे तब तक मैं उन्हीं के हॉस्पिटल में काम करूंगी। ऐसे में हमारा आने जाने का और वहाँ रहने का खर्चा निकल आएगा। बाकी तुम्हारे इलाज का खर्चा वो भी हम मैनेज कर लेंगे। देख सही, इलाज की चिंता तू मत कर, वो तो हम सबकी सेविंग से हो ही जाएगा। लेकिन सही, तू अकेली पराए देश में सभी और सत्ता का ख्याल कैसे रखेगी? नहीं, मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आई, मैंने अपनी जिंदगी का आधे से ज्यादा हिस्सा अकेले ही गुजारा है। आप चिंता मत कीजिए, और वैसे भी जरूरी है कि सत्या का इलाज हो, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, यही तो हम सब चाहते हैं ना। कदम बोल सर, हमें टीप मिली है कि नागपुर के आसपास कुछ संदिग्ध गतिविधि हो रही है। अभी तक हम गतिविधियों की जड़ तक नहीं पहुंच पाए, पर हमें जल्द से जल्द पता लगाना होगा सर। सही बार बार क्यों कॉल कर रही है? कुछ जरूरी बात होगी। कदम, मैं 2 मिनट में कॉल करता हूँ, जरूरी कॉल आ रहा है। ओके सर। हाँ सही बोलो। विराट, वो मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि मैं सत्या को लेके जर्मनी जा रही हूँ उसके इलाज के लिए। तुम जर्मनी जा रही हो? हाँ, वहाँ पर एक न्यूरोलॉजिस्ट है, मुझे लगता है उनके इलाज से सत्या की तबीयत ठीक हो सकती है, इसलिए सत्या को और सभी को लेकर जा रही हूँ जर्मनी। सही, तुम सभी को भी साथ ले जा रही हो? कितने दिनों के लिए जा रही हो? फिर से कदम कॉल कर रहा है। सही, मुझे एक बहुत जरूरी कॉल आ रहा है, मैं बाद में बात करता हूँ। लेकिन विराट, मेरी कदम, मैं आ रहा हूँ। पहले विराट दूर जाने की बात कर रहा था,
और अब सही भी इतनी दूर जा रही है, ये सब हो क्या रहा है? सही कहीं भी जाए मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन उसने ऐसा कैसे सोचा कि वो हमारी पोती सभी को हमसे दूर विदेश लेकर जाएगी? अरे सभी पर हमारा भी उतना ही हक है जितना कि सही का। विराट को अब सभी की कस्टडी ले लेनी चाहिए। अरे बहुत हो गया, सही ने तो दूसरी शादी भी कर ली है। अगर विराट के पास सभी की कस्टडी होती ना तो अब तक हम उस सही से छुटकारा पा चुके होते। आप ये मत भूलिए बहनी, सही ने वीनू की कस्टडी भी तो जाने दी थी। कोशिश करके देख ले, देती हूं मैं उसे अपने पोते की कस्टडी। अगर कानूनी तरीके से हम सभी को अपने पास नहीं बुला सकते तो मेरे पास और भी तरीके हैं अपनी बच्ची को अपने घर में वापस लाने के। मैं विराट की खुशियों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे जो हो जाए, मैं उस जंगली मुल्की को अपनी मनमानी नहीं करने दूंगी। विराट तो पहले ही टूट चुका है, अगर सही सभी को उससे दूर कर देगी तो वो तो बिखर ही जाएगा। अब क्या वो जंगली मुर्गी विराट का सब कुछ छीन लेगी? मेरे होते सही ऐसा कुछ नहीं कर पाएगी, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। क्या सभी जवान निवास की है? किसके साथ? भवानी जी के साथ। वो वीनू को लेने स्कूल आई थी तो उन्होंने कहा कि सभी जर्मनी जा रही है, इसलिए वो चाहती है कि जाने के पहले वो उन लोगों के साथ थोड़ा वक्त बिता ले। बस इतना ही कहा उन्होंने? हाँ, और सभी भी जाना चाहती थी इसलिए मैंने उसे जाने दिया। भाई मुझे ना कुछ अजीब लग रहा है, मतलब काकू वीनू को लेने आई थी और सभी को भी साथ ले गए। आपको ना एक बार मुझे फोन करके पूछ लेना चाहिए था। इसमें क्या हुआ? वो चवान निवासी तो गई है, पर तुम इतना परेशान क्यों हो? नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं काम करती हूँ, काकू को ही फोन करके बात कर लेती हूँ। ठीक है। हाँ बोल। काकू आप सभी को चवान निवास क्यों ले गए? क्यों मतलब? अब तो सभी को हमसे दूर जर्मनी लेके जा रही है तो हम तो उसे मिल ही नहीं पाएंगे इतने दिन, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जाने से पहले सभी हम लोगों के साथ कुछ वक्त बिताएं। अब इतना हक तो है ना हमारा। हाँ सभी भी आप लोगों को काफी मिस करेगी वहाँ जाने के बाद। अब ठीक है तो सभी को वहीं रहने देते हैं, मैं उसे रात को पिकअप करने आ जाऊंगी। ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे वैसा कर लेना। चल रहा है काकू के दिमाग में, ये जानने के बावजूद कि मैं सभी को अपने साथ जर्मनी लेके जा रही हूँ वो इतनी शांत कैसे है? अरे आज मेरी प्रिंसेस यहाँ क्या कर रही है? पापा वो मैं जर्मनी जाने वाली हूँ ना, इसीलिए मैंने सोचा मैं आप सबके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर दूँ। बड़ी आंटी मुझे लेके आई है। विराट वो मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि मैं सत्या को लेके जर्मनी जा रही हूँ उसके इलाज के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, अब हम मिलकर खूब मस्ती करेंगे। सीधा सभी
मैं ना तेरे लिए गिफ्ट लाई हूँ। ये देखो। एक मिनट हाँ बनाती हूँ। मैं तो तेरे लिए बड़े बड़े हार बनवाना चाहती थी, लेकिन हालात ऐसे हैं कि मैं तुझे इतना ही दे सकती हूँ। अरे वाह, ये कितना सुंदर है। मीनू दादा के पास सनसेट का रॉकेट और मेरे पास मून का रॉकेट। मैंने तो ये नोटिस ही नहीं किया। तुम दोनों हो हमारे खानदान के चांद और सूरज। तुम दोनों को किसी की नजर ना लगे। सभी यहाँ आकर तुझे कैसा लग रहा है मैडम? मुझे तो यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। और वैसे मैं आप सबको इतना मिस कर ली थी, आप बताओ ही मत। ठीक है, अब तो तू बहुत दूर चली जाएगी और हमें से कोई नहीं मिलेगा तुझे वहाँ, तो तू तो बहुत मिस करेगी हमें, है ना? हाँ। तेरे वहाँ कोई दोस्त भी नहीं होंगे, ना विनू दादा होंगे, ना हम सब होंगे, तेरे अज्जी, तेरे अजूबा, तेरे बाबा नहीं होंगे। हाँ आई होगी, लेकिन वो तो सत्या अंकल के साथ बिजी होगी, उनका ख्याल रख रही होगी, है ना? तो तू तो बहुत बोर हो जाएगी और तुझे तो वहाँ के लोगों की भाषा भी नहीं आती। हाँ वो तो है, और वहाँ मेरे साथ कोई खेलने वाला भी नहीं होगा। तो तू इतनी दूर क्यों जा रही है, जहाँ पर हम भी नहीं है, वीनू दादा नहीं है, तो यही रह जा। अरे यहाँ पर वीनू दादा है, तेरे बाबा है, हम सब है, हम सब बहुत मजे करेंगे, तू यहाँ बोर नहीं होगी। हाँ सभी तू यही पर रुक जाना। हाँ मुझे यही रहना है, मुझे नहीं जाना। सच्ची तू कहीं नहीं जाएगी, तू यही रहेगी ना? तो यही बात जाकर तू अपने बाबा को बोल दे जल्दी से, वो तेरे आई को मना लेंगे। हाँ। जल्दी भाग। आई तो जा रही है, आपको उनके साथ नहीं रहना? नहीं, मुझे आप सब से इतनी दूर नहीं जाना है, मुझे आपके साथ यही रहना है। पापा प्लीज आप आई को समझाओ ना प्लीज। ठीक है, अगर आपको नहीं जाना तो नहीं जाएंगे, अभी आपकी आई को फोन करता हूँ। हाँ। विराट मैं बस निकल ही रही थी, जल्दी पहुंच जाऊंगी सभी को लेने। हाँ नहीं, इसीलिए फोन किया था कि उसको पिक करने की जरूरत नहीं है। क्यों? अच्छा तुम उसे छोड़ने आ रहे हो? नहीं सभी यहीं रहने वाली है। वहाँ रहने वाली है? मेरी काकू से बात हुई थी विराट, मैंने कहा था मैं रात को लेने आऊंगी सभी को, अभी उसकी पैकिंग भी बची हुई है। पैकिंग की कोई जरूरत नहीं सही, वो जर्मनी ही नहीं जा रही है। जर्मनी नहीं जाएगी क्या, क्या मतलब है? अरे सही, जब वो जाना नहीं चाहती तो क्यों फोर्स कर रही हो उसे? और सही, मैं सभी का पापा हूँ, उससे जुड़े हुए फैसले तुम अकेले तो नहीं ले सकती। लेकिन मैंने तुम्हें बताया था ना विराट कि सभी जाएगी मेरे साथ। हाँ सही, तुमने बताया था, मेरे साथ डिस्कस नहीं किया था ना। ऑनेस्टली अब इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फैसला हो चुका है, सभी नहीं जा रही है। अच्छा अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम खुद उससे पूछ लो, मैं अभी वीडियो कॉल करता हूँ। ये लो। सभी काय साला, नहीं चलना साथ जर्मनी? नहीं आई, मुझे यही रहना है पापा और बहनों दादा के साथ। सोच के बोल, पक्का? आई एकदम पक्का, मुझे यही रहना है। ठीक है तो फिर मैं और सत्या अंकल अकेले चले जाएंगे जर्मनी। ओके ओके।
अरे सही, तुमने उसकी बात क्यों मान ली? वो क्या जर्मनी नहीं चलेगी हमारे साथ? 2 महीने तक हमें वहां रहना पड़ेगा ट्रीटमेंट के लिए। तुम्हें लगता है तुम इतने टाइम तक उससे दूर रह पाओगी? 2 महीने छोड़ो, ये आज रात ही नहीं रुक पाएगी मेरे बगैर। देखना, आधी रात को फोन करके बोलेगी कि लेने आ जाओ। क्या ऐसे देख क्या रहे हो? लिख के दे सकती हूँ, जानती हूँ ना अपनी बेटी को और काकू को भी। ये सब ना काकू की चाल है। मैं सोच ही रही थी कि आज इतना सीधा सीधा बन के दिखा रही है, जरूर कोई टेढ़ी टेढ़ी चाल चलेगी। और देखो क्या किया। हाँ कदम बोल। सर वो रमाकांत पुजारी है ना, उसको छुड़ाने के लिए बहुत बड़ी एक्टिविटी हो रही है। हमें ठोस जानकारी मिली है, बस हमें भी अभी आगे बढ़ना होगा सर। ठीक है, मैं वहां पहुंच रहा हूँ, टीम रेडी रख। ओके सर। और मुझे तो नींद भी नहीं आ रही है और मैं बहुत बोर हो रही हूँ और आईटी भी बहुत याद आ रही है। अब क्या करूँ? देखा था मैंने कैसे उस स्टूपिड आस्था के साथ एसएस की बातें कर रहे थे। नलिनी दाई, मुझे घर जाना है, मुझे आईटी बहुत याद आ रही है, मैं बहुत बोर हो रही हूँ, मुझे घर जाना है। अब मुझे घर ले चलो ना। इस टाइम नहीं सभी, अभी बहुत रात हो गई है, मैं कल ले जाऊंगी। ओके आची, आची, अजूबा, 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 मुझे घर जाना है आई के बाद, अब मुझे ले चलो ना। अभी बहुत रात हो गई है, कल सुबह देखते हैं। जाओ जाओ सो जाओ, सो जाओ। अरे पापा भी फोन नहीं उठा रहे, अब क्या करूं? सब लोग सो रहे। एक काम करती हूँ, मैं अकेली चली जाती हूँ। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।